ब्राइट वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो के मिलते रहें सबसे पहले। चलिए सब स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और घर पे बैठे हुए हैं, तो इस कंडीशन में यदि हम घर से सामान मंगाना चाहते हैं तो किस तरीके से मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है ई बाजार। ये गवर्नमेंट का है और राजस्थान गवर्नमेंट का है ऐप है, और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए दो तीन बार पूछेगा, इस तरीके से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, या इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, और स्किप करते ही आप आ जाते हो ई बाजार के डैशबोर्ड पे। इसके बाद में मैं आपको इसको लॉगिन करना बताऊँगा, तो उसके लिए आपको सबसे ऊपर थ्री लाइन पे जाना है। इसके बाद में होम ओपन हो जाता है, या नीचे नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे माई अकाउंट्स पे जाना है। माई अकाउंट्स पे जाएंगे तो आपको एस एस आई डी और पासवर्ड पूछेगा, वो आपको अपनी डालनी है। यदि आपके पास एस एस आई डी नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दिया हुआ है, उसमें जा क्लिक करके आप एस एस आई डी बनाना सीख सकते हैं। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, तो आपसे ये क्या है कि एड्रेस पूछता है, फर्स्ट टाइम आया है इसलिए आप इसमें एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के लिए आप इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप पूरा एड्रेस डाल देंगे, जैसे मैंने इसमें डाल दिया है। पूरा एड्रेस डालने के बाद में आपको सेव पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सेव पे क्लिक करने के बाद में ई बाजार का एक डैशबोर्ड आता है, और इस डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं होम क्या दिखा हुआ है। इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, आप इनमें से जो प्रोडक्ट आपको पसंद है वो ले सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल में से लेना है तो मैं इलेक्ट्रिकल पे जाके और अलग से ही देख सकता हूँ क्या क्या है इसमें। इलेक्ट्रिकल में सिर्फ दो चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हो अवेलेबल है, लेकिन इसमें बताया गया है कि मिनिमम जो क्वान्टिटी है 4 मंगा सकते हो। नीचे पूरे इसकी डिटेल्स हैं। आप इसको क्या करना है, आपको इसको ऐड टू कार्ट पे जाना है। ऐड टू कार्ट पे जाएंगे तो ये उसमें आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। आप एक साथ एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, आइटम ऐड हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद में अब इसको हम लोग क्या है कि एक साथ एक से ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद पेमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं एक ही आइटम ले रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐड किया। अब इस नोटिफिकेशन के साइड में हमने यहाँ पे जो ऐड किए हैं वो LED बल्ब 9W 70 है, इसको आप माइनस प्लस कर सकते हो, लेकिन इसमें लिखा है मिनिमम क्वालिटी 4 से कम नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हो। जो 5 हो गया रेट बढ़ता जाएगा, जिसमें जो 5 लेनी है तो 350 हो गया। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक, आप पेमेंट कैसे करेंगे, ये एड्रेस आ रहा है, जो एड्रेस मैंने वहाँ पे डाला था, तो एड्रेस आप नहीं डालते तो आपसे एड्रेस पूछता है। इसी एड्रेस पे मंगाना है तो आपको चेक मार्क लगा देना है, और किसी दूसरे एड्रेस पे करना है तो आपको एड्रेस पूछेगा, ठीक है, मैंने चेक मार्क लगाया, कंटिन्यू कर दिया। इस तरीके से आपके पास में कोई कूपन है, एंटर योर कूपन कोड, ये डाल के अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो ऊपर देखो एड्रेस दिखा रखा है इसने, और प्लस इसका वो दिखा रखा है। इसमें जो अमाउंट है, शिपिंग अमाउंट है, वो लग रहा है 57.53, तो ये टोटल आपका 350 53 हो गया, 407.53। आप इसे पे पे क्लिक करेंगे, पे पे इस तरीके से आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा, और इस पेमेंट के इंटरफेस में आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसमें से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, नीचे इसमें लिखा हुआ है ये सारी डिटेल्स, और इसका जो RPP टैक्स ट्रांजेक्शन ID दी हुई है यहाँ पे 36 28 24 60। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप UPI से करने चाहते हैं तो UPI पे क्लिक करें, और यदि आप एग्रीगेटर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा एग्रीगेटर, इसमें सेलेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ जाने के पहले बिल डेस्क आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये अलग किसी भी आप बैंक वगैरह से कर सकते हो। इसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना, आपको प्रोसीड टू पे करेंगे तो ये बिल डेस्क पे आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा, और इसके बाद में यहाँ से जैसे ही प्रोसीड पे करेंगे तो आपके बैंक के अकाउंट पे पहुंचा देगा, और वहाँ से जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो डालना, और तुरंत पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस यहीं पेमेंट इसका नहीं करना है, तो चलिए हमारा वीडियो यहीं तक कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो को ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें,
और मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप नए यूजर हैं, इस तरीके के नए अपडेट्स चाहते हैं और नए नए ऐप्स, नए नए आप इम्पोर्टेंट कंप्यूटर जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।